जिले में पावन भूमि पर बोरड़ा गांव के चौराहे चित्तौड़ रोड हाईवे पर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना और धर्मराज श्री शनिदेव भगवान की स्थापना मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हुआ। बोरड़ा गांव तो है लेकिन आसपास के सभी गांवों का सहयोग है। कॉलोनी गांव, आठ गांव, बोरड़ा चौराया, बोरड़ा गांव, गोपाल और सभी भक्तजन दुखाती वर्षों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर नूतन मूर्ति स्थापना हुई है। धूनी का स्थान है, सिद्ध धूनी का स्थान है। पहले उसके बाद में भगवान हनुमान जी की कृपा हुई, शनि महाराज के यहाँ विराजमान हुए और बहुत कम होती है शनि महाराज की मूर्ति। चमत्कारी हनुमान जी महाराज की चमत्कारी मूर्ति है। आपकी मनोकामना भगवान के दर्शन करने से पूर्ण होती है और भगवान के आशीर्वाद बना रहा तो आने वाले समय पर विशाल यज्ञ होंगे और विशाल आयोजन किए जाएंगे और बहुत तरह के भंडारे होंगे यहाँ पर। और शनि महाराज का ये 15 दिन बाद में धन्यवाद का सहस्त्रधारा अभिषेक होगा। आज हनुमान जी महाराज का भी सहस्त्रधारा का धूप दूध मिश्री शहद लगाकर 1008 छेद लगाकर अभिषेक किया गया। यहाँ पे स्थापना हुई है और ये इधर हुई जो शनि महाराज भगवान की हुई है। और तमाम समस्त हिंदू भाइयों को मैं मेरी तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ और उनसे नमन करना चाहता हूँ कि अच्छा सहयोग किया और अच्छा कंधे से कंधा मिला के चले तो धर्म की प्रस्था और धर्म की जो जड़ है वो चलती रही। और मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह कंधा लगा रहे तो हिंदू के प्रति हमेशा मनोबल बढ़ा रहेगा। आने वाला जो समय आ रहा है वो मीडिया भी जानती है और हम भी जान रहे हैं कि भाई हिंदुत्व खतरे में है। तो जो अगर हमारा तो आसरा ये भगवान का है, ईश्वर का है और ईश्वर की हम हमेशा पूजा अर्चना में जुड़े रहे हैं और आस्था हमेशा हिंदुओं की जुड़ी रहे, इसीलिए हमारे यहाँ पंचमुखी दरबार की स्थापना हुई है और ये शनि महाराज भगवान की स्थापना हुई है। और समस्त आस पास के जितने भी तमाम गांव हैं वहाँ से जो जनता है, भगत लोग हैं, जी जान से उन्होंने मेहनत की है, मैं उनका आभार हूँ और हमेशा उनका आभार प्रकट करता रहूँगा। और जहाँ जहाँ हिंदुत्व के लिए हमारा पंडितों ने तो हमेशा दान ही दिया है, त्याग दिया है, शरीर त्याग दिया है, तो हमारे लिए अगर हिंदुओं के लिए, अगर हिंदुत्व के लिए मेरे को अगर मेरा रक्त भी अगर मेरे को आहुति देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, ये जो आयोजन हुआ है इस आयोजन में मुख्यकर्ता कौन रहे? यहाँ जो आयोजन रहा है उनके मुख्य आयोजक सभी भक्तगण रहे और मेन हमारे लक्ष्मण जी खारोल और ये मिट्टू अंकल जो परीख साहब हैं, ये भी दो शब्द कहेंगे। राधेश्याम जी जाट वो आपके पीछे खड़े हैं, सामने आ जाइए साहब, ये भी हमेशा खड़े तत्व पे खड़े रहे हैं और मजबूती बनाई रखी हमारी, मनोबल बढ़ाए रखा हमारा। और हमारे दो शब्द हमारे अंकल भी कहेंगे जय श्री राम। मैं पंडित हूँ, ग्राम कानोली से समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं पंडित विनोद कुमार जोशी हूँ और यहाँ पे हमारा उठना बैठना रहा है। और ये जो स्थापना थी पहले बिल्कुल जंगल था, यहाँ पे हमेशा झाड़ झूड़ मतलब किधर आने का कोई कार्य नहीं था, मतलब डरते थे लोग, तो हमेशा आज ये समय आ गया कि भगवान स्वयं विराजमान हो गए हैं तो इसे हमारे को बहुत अच्छी प्रशंसा रही है। आज ये हमारे गांव बोरड़ा में जैसे शनि महाराज और पंचमुखी दरबार बालाजी की जो स्थापना हुई 4 तारीख को, वो पंडित श्री अपने अशोक जी तिवारी द्वारा कराई गई है। अभी 12:15 इनका प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम था और अब भोजन प्रसाद वगैरह का जो भी कार्यक्रम वो अब होगा। कल हम 3 तारीख को भगवान श्री चार भुजानाथ बोरड़ा से एक शोभा यात्रा वहाँ से लेके आए और भगवान का विवाण भी वहाँ से लेके आए बोरड़ा से। जो शोभा यात्रा वहाँ से शुरू हुई शाम को 6 बजे तो यहाँ करीब रात को 10 बजे पहुँची। 10 बजे बाद में यज्ञाचार्य जी ने ये हवन वगैरह चालू करवाया। पूरी रात का यज्ञ था, सुबह से वापस निरंतर चल रहा और 12:15 प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था या मुहूर्त था वो स्थापना हो चुकी है। और जिस जनता ने जितना भी सहयोग किया, आसपास के जो भी या गांव वालों ने, कानोली बोरड़ा और आटोण कटीला खेड़ा वालों ने, सबका आभार, भिलवाड़ा तक का सहयोग रहा है, सभी का आभार व्यक्त करते हैं हृदय से और आगे भी ऐसे सहयोग की आशा करते हैं। आपका नाम? मिट्ठूलाल पारिक। स्थान हनुमान जी और शनि राजा का
अभी स्थापित किया है, बोरडा, कानोली, अटून और पांचों गांव, आसपास के गांव और भी हैं और उनके द्वारा सर से स्थापित किया गया है। और आज पंडित साहब नाम क्या अशोक जी के द्वारा, आचार्य अशोक जी द्वारा ये स्थापित किया गया और सभी महानुभाव जो सभी समाज का ये मंदिर बनाया गया गोड़ा हिंदू तो बृजराज सिंह शेखावत और भी सब पंच पटेल सब हैं, सभी समाज के ब्राह्मण भी है, कुमाऊत भी है, जाट भी है, खारोड़ भी है, सभी समाज के है सुन रहा है और ये स्थापित किया गया। जय श्री राम। जय श्री राम। आज पावन भूमि बोरडा गांव के चौराहे पे स्थित श्री पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना और धर्मराज श्री शनेचर भगवान की स्थापना, नूतन मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम हुआ है। पूरा बोरडा गांव तो है ही है लेकिन आसपास के सभी गांवों का सहयोग है। कानोली गांव, आटून गांव, बोरडा चौराया, बोरडा गांव प्रॉपर और सभी भक्तजन जो काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, नूतन मूर्ति स्थापना हुई है। सिद्ध धुनी का यह स्थान है, पहले से ही थी सिद्ध धुनी का स्थान था पहले, उसके बाद में भगवान हनुमान जी की कृपा हुई, शनि महाराज विराजमान हुए, पंचमुखी दरबार पधारे यहाँ पे और बहुत चमत्कारी मूर्ति है। शनि महाराज की मूर्ति भी बहुत चमत्कारी है और हनुमान जी महाराज की भी बहुत चमत्कारी मूर्ति है। आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण सिद्ध हो जाती है, केवल यहाँ आके भगवान के दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहा तो आने वाले समय पे विशाल यज्ञ होंगे यहाँ पे और विशाल आयोजन किया जाएगा और बहुत तरह के भंडारे होंगे यहाँ पे। और शनि महाराज का अभी 15 दिन बाद में शनि महाराज का सहस्त्र धारा से अभिषेक होगा वापस। आज भी हनुमान जी का सहस्त्र धारा से दुग्ध मिश्रित जल धारा से सहस्त्र धारा का अभिषेक हुआ, जिसमें 1108 छेद की धारा का अभिषेक किया गया, यज्ञ किया गया, एक कुंडी यज्ञ हुआ, सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना के साथ भगवान को विराजमान किया गया। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को गांव बोरडा गांव से लेके आए यहाँ पे, उनको भी विराजमान किया यहाँ पे जल यात्रा के साथ, ठाट वाट से पूरे गांव नगर बस्ती के साथ जल यात्रा आई, 51 कलश यात्रा थी, उसके साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं थे, हनुमान जी की शोभा यात्रा थी, शनि महाराज की शोभा यात्रा थी, साथ में चिमटा धुनी के सिद्ध धुनी का भी कमंडल था साथ में, यानी पावन भूमि हो गई, एक तरह की दर्शनीय स्थल हो गया यहाँ पे। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस पावन भूमि पे एक बार पधार कर अपने जीवन को सफल बनाए और सभी अपने मनोकामना को सिद्ध कराए। जय श्री राम। अशोक कुमार शर्मा है, पूर्व गांव से निवासी हूँ मैं और मेरी पूरी टीम विप्र द्वारा विद्वान पंडित सब मेरे साथ में है। बहुत अच्छे मंत्रोच्चार के साथ भगवान का कार्यक्रम किया गया और पूर्णाहुति की गई और भंडारे का प्रोग्राम है। अभी भक्त भी पधारे और प्रसाद लेवे।